मैं इस समय मौजूद हूँ माँ यमुनोत्री जी के चरणों में, और ये सामने मेरे देख रहे होंगे आप, ये मंदिर का बैक साइड है और जो मेन माना जाता है गंगा माँ का उद्गम स्थल है। ये दो तरीके से होता है, एक गर्म कुंड और एक ठंडा, माता के दो उद्गम स्थल है, दोनों पास पास दो धाराएं हैं, एक गर्म और एक ठंडी। ये गर्म कुंड है और इसका सूर्य कुंड के नाम से है, और जितने भी भक्त आते हैं वो माँ के लिए चावल और आलू का इधर मिलता है, उसको यहाँ पकाया जाता है, वही शायद माँ को भोग लगाया जाता है। ये जो हम लोग लेके आते हैं, और ये क्या माँ को इसी का भोग लगाया जाता है, यहाँ से हम लोग इसको पका के लेके जाएंगे मंदिर में, घर मिले, घर के लिए मिलेगा आपको। जी जी जी, मतलब ये यहाँ से हम लोग ने पकाए, ये प्रसाद हो गया, ये वहाँ से सुखाना पड़ता है। जी, जहाँ रात को रुकोगे वहाँ सुखाना पड़ता है। जी जी जी, जब घर जाओगे पूरे परिवार के साथ इसकी खीर प्रसादी बनती है। ओह बहुत सुंदर। जी 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 जी, तो जितने आते हैं सब यहाँ पे इस जगह पका के लेके जाएं, और इसको पकाने के बाद माँ को भोग नहीं लगाया जाता ना, सीधा यहाँ से चला जाएगा, भोग हो गया, मतलब माँ के इसमें चला गया, भोग हो गया। बहुत सुंदर।